देख रहे हैं वीपी गंगा पर ये सबसे बड़ी कवरेज, क्योंकि योगी सरकार 2.0 का आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है गठन। बिल्कुल, तो लगभग 2.5 घंटे का वक्त और बाकी है, एकाना स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो गई और आपको हम हर अपडेट दिखा रहे हैं कि किस तरीके की सियासी हलचल चल रही है, इकाना में क्या हो रहा है, बीजेपी दफ्तर में क्या हो रहा है और मुख्यमंत्री आवास के बाहर कैसी हलचल। बिल्कुल, हर एक तस्वीर पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। मेरे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड से हर एक सटीक जानकारी सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक तस्वीर, कोई भी तस्वीर आपसे छूटे नहीं, ये वादा है हमारा। इकाना स्टेडियम में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश कैसा है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, सीधे रुख करते हैं नितिन का। नितिन हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर से लगातार बने हुए। नितिन, अब बैठक तो खत्म हो गई, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है और हलचल बहुत दिख रही है आपके आसपास? बिल्कुल, देखिए जो मंत्री बन गए वो तो उनके घर में तो इस समय मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लेकिन जो विधायक मंत्री बनने से चूक गए, एक अदद जो फोन कॉल का जिनको इंतजार था लेकिन वो फोन कॉल पार्टी कार्यालय से नहीं पहुंची, वो जरूर मायूस हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने अभी पिछले आधे घंटे के दरमियान देखा है। दो ऐसे पूर्व अधिकारी हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें AK शर्मा है, जिसमें कहा जाए असीम अरुण है, यानी ADG रैंक से असीम अरुण ने VRS लिया और उसके बाद उन्होंने कन्नौज सदर से कहा जाए चुनाव लड़ा है। अब ऐसे में असीम अरुण को क्या प्रोफाइल दिया जाता है, सवाल ये है। असीम अरुण कानपुर कमिश्नर रहे और अब DGP हो, चीफ सेक्रेटरी हो, उनको सैल्यूट ठोंकेंगे, क्योंकि अब क्योंकि जो कहा जाए मंत्री का प्रोटोकॉल हमेशा अधिकारी के प्रोटोकॉल से ऊपर होता है। और तस्वीरें भी दिखाइए, सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें फिलहाल क्या है, किस तरीके की हलचल है वहां पर? देखिए बिल्कुल, सीएम हाउस के बाहर क्या तस्वीरें हैं मैं आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय है। अमूमन जिस तरह से यहाँ पुलिस फोर्स डिप्लॉय रहती है, लेकिन इस समय चूंकि लगातार कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, तमाम अधिकारी लगातार पहुँच रहे हैं, तो थोड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ज़्यादा इस समय टाइट बनी हुई है। देखिए दो जो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं कुछ अप्रत्याशित नज़र आ रही हैं, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करेगा ABP गंगा, सिद्धार्थनाथ सिंह हैवीवेट कैबिनेट मंत्री थे लेकिन आज वो अपने बॉस यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेने नहीं पहुँचे हैं। श्रीकांत शर्मा मथुरा सदर से, यानी क्या उनको योगी 2.0 में मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, ये सारे सवाल हैं। इस पर से पर्दा 4 बजे उठकर साफ हो जाएगा कि जब वो इकाना स्टेडियम में जब मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो लोग शपथ लेंगे। कुल मिला के कहा जाए क्षेत्रीय जातिगत संतुलन को पूरी तरह से सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सभी सामाजिक वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और BJP सरकार और संगठन के का कहा जाए उनके कहा जाए जहन में 2024 अभी से शुरू हो गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि 10 तारीख को जो उत्तर प्रदेश का नतीजे आए, 5 में से 4 राज्यों में BJP ने सरकार बनाई, 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए गुजरात पहुंच गए, यानी गुजरात में साल के आखिरी में चुनाव है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए कुल मिला के इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। 5 कालिदास मार्ग के बाहर की जो लाइव तस्वीरें हैं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मथुरा से पूरन प्रकाश बलदेव के रहने वाले हैं, दूसरी बार विधायक गए हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। बेबी रानी मौर्य एक जाटव चेहरा है, दलित वर्ग की सबसे बड़ी जाति जाटव जाति से आती है बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। इसके साथ ही और भी कई सारे जो बड़े नाम हैं उनका मैं बारी बारी से जिक्र करना चाहूँगा। असीम अरुण हो गए, बेबी रानी मौर्य हो गए, ब्रजेश पाठक एक ऐसा कहा जाए संगठन के कहा जाए एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिनको हर कोई पसंद करने लगा है। ब्रजेश पाठक आज आए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लिया है। बिल्कुल नितिन, आएंगे आपके पास और एक बार रुक कर लेते हैं एयरपोर्ट का, वहां पर भी हलचल बढ़ गई है। बलराम हमारे साथ बने हुए, बलराम किस तरीके की वहां पर तस्वीर है, कौन कौन आ चुका है और किसका इंतजार हो रहा है वहां पर? तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इलाहाबाद, आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर भी लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। सुबह से ही जो मेहमान हैं वो आ रहे हैं शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, चाहे वो कला क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए लोग हों, चाहे औद्योगिक घरानों से जुड़े लोग हों। देखिए और एक और काफिला आगे बढ़ रहा है और बलराम से हम जानेंगे कि आखिर ये कौन है इस गाड़ी में। तो देखिए लगातार मेहमान आ रहे हैं और शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। तो लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनको रिसीव करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और सुबह से अब तक की बात करें तो देश भर से मेहमान आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं,
जो बड़े संत हैं वो पहुंच रहे हैं। अमिताभ बच्चन के आने की भी पुष्टि हो चुकी है कि वो भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे, वो आएंगे। तो देश भर से जो मेहमान है वो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। देखिए एक तस्वीर ये भी है कि किस तरीके से जो आम जनता है, जो कार्यकर्ता है, क्योंकि गाड़ियों का आवागमन रोका गया है स्टेडियम के आसपास, तो पैदल ही ये लोग पहुंच रहे हैं कान्हा स्टेडियम तक और वहां पर शपथ ग्रहण में हिस्सा ये लेंगे। इसके साथ ही साथ प्रदेश भर के जो सांस्कृतिक कलाकार हैं वो पहुंचे हैं, जो लोक कलाओं से जुड़े हुए हैं उनको बुलाया गया है और लगातार सभी लोग कान्हा स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे का वक्त और बचा हुआ है। और देखिए वीआईपी मेहमान कौन है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वीआईपी मेहमानों की अगर हम बात करें तो जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सीएम हिमाचल प्रदेश, और अगर हम बात करें अन्य वीआईपी मेहमानों की तो पुष्कर सिंह धामी 2 दिन पहले ही शपथ लिया है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें एबीपी गंगा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रजेश पाठक होंगे दूसरे डिप्टी सीएम। देखिए लगातार उनका नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा था और अब यह तय हो गया है कि दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक बनेंगे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। दिनेश शर्मा को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है, लेकिन फिलहाल ब्रजेश पाठक दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम होंगे उत्तर प्रदेश के। ब्यूरो चीफ वीरेश हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, देखिए एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है, ब्रजेश पाठक की दूसरे डिप्टी सीएम बन रहे। देखिए एबीपी गंगा ने बता दिया था, सुबह ही बता दिया था कि श्रीकांत शर्मा और ब्रजेश पाठक के बीच रस्साकस्सी चल रही है। दिनेश शर्मा का टिकट कट चुका है और ब्रजेश पाठक बन सकते हैं, सबसे ज्यादा रेस में दौड़ में आगे हैं ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। केशव मौर्या के साथ ब्राह्मण फेस के तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्रजेश पाठक को स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। दिनेश शर्मा को टिकट काट दिया गया है, उनको बुलाया भी नहीं गया मुख्यमंत्री आवास पर, और इकाना स्टेडियम में शपथ लेंगे ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। केशव मौर्या पिछड़ों का सबसे बड़ा फेस ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार वन में काम किया, लोगों को से मुलाकात की, लोगों के बीच गए, जनता की बात सुनी और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने घर बुलाया, उनके लिए दरवाजे खुले रहे और उनका काम किया, पार्टी के अंदर उनकी छवि जिस तरीके से चमकी है ये बड़ी बात है। बसपा से आने के बावजूद भी ब्रजेश पाठक ने 5 साल के अंदर भाजपाइयों से ज्यादा अपनी भूमिका प्रमुख तौर पर स्थापित कर ली, ये एक बड़ी उपलब्धि है ब्रजेश पाठक की। भारतीय जनता पार्टी में हम कह सकते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा, याद करिए कांग्रेस से आने के बाद हेमंत बिश्व शर्मा को बनाया गया मुख्यमंत्री असम में, और ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बात होगी, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, अपने परंपरागत जो कार्यकर्ता हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, उन्हें ही बनाया जाता है, उन्हें ही महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं। आप देखिए एक चीज का गौर कीजिए कि ब्रजेश पाठक आए, दारा सिंह चौहान आए, स्वामी प्रसाद मौर्य आए, इन सभी को मंत्री तो बनाया गया योगी वन सरकार में, लेकिन पार्टी ने इन पर बहुत भरोसा नहीं किया, इन्हें बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्डर के लोगों पर भरोसा किया जाता है। लेकिन ब्रजेश पाठक ने पार्टी के अंदर, संघ के अंदर, हाईकमान के अंदर जो विश्वास पैदा किया कि उन्हें नेतृत्व दिया जा सकता है, ब्राह्मण फेस बनाया जा सकता है, लखनऊ विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के तौर पर तब से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए वो कांग्रेस में रहे, उसके बाद से वो बसपा में रहे और बसपा के बाद से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा उन्होंने तय की, और 5 साल के अंदर लगभग उन्हें पार्टी में आए 6 साल हुए हैं। 2016 में वो भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन 2016 में पार्टी के अंदर आने के बाद उन्होंने अपना जो आचरण है, व्यवहार है, ऐसा कर लिया कि जैसे वो पूरी तरीके से भगवा मैं हो चुके हों। और जिस तरीके से, मैं बताऊं एक बड़े नेता की बात, उनके बारे में कहा गया, मुझसे 2 साल पहले मैंने उनसे पूछा
कि किस रूप में आप ब्रजेश पाठक को देखते हैं। उनका कहना था कि ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी के रस्म को, रिवाज को, आचरण को, व्यवहार को ऐसे अपने अंदर ढाल लिया है मानो लगता हो कि वो हमेशा से भाजपा ही रहे हों, विद्यार्थी परिषद के काडर रहे हों। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी के एरा में भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण पदों पर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पदों पर हमेशा से पार्टी के बेस लोगों को ही, जो पार्टी के मूल काडर से जुड़े हुए, जिनकी डीएनए, जिनकी आत्मा जुड़ी रही है, उनको बनाती रही है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा असम में, याद करिए, कांग्रेस से आने के बाद 5 साल वो मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देखा, आजमाया, उन पर भरोसा किया, उन पर विश्वास किया, और जब दूसरा कार्यकाल आया तो उन्हें बना दिया गया मुख्यमंत्री, सर्बानंद सोनेवाल के हटाकर बनाया गया हेमंत बिस्व शर्मा। और वो प्रयोग अच्छा चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में हेमंत बिस्व शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है, और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयोग करना मुनासिब समझा। हाईकमान ने ये सोचा, ब्रजेश पाठक अमित शाह, नरेंद्र मोदी की पसंद है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के संगठन के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। मैं यहाँ भारतीय भवन में, जो संघ का मुख्यालय है, कार्यालय है लखनऊ के अंदर, भारतीय भवन में जब मैं जाता हूँ तो संघ के किसी बड़े पदाधिकारी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनसे जब मैं बात करता हूँ दादा के रूप में, उनसे बात करता हूँ भैया के रूप में, तो वो हमेशा कहते हैं कि ब्रजेश पाठक सुनते हैं, ब्रजेश पाठक हम लोगों का काम करते हैं, ब्रजेश पाठक कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, ब्रजेश पाठक नेताओं की बात सुनते हैं, ब्रजेश पाठक संघ की बात सुनते हैं, ब्रजेश पाठक लोगों की बात सुनते हैं, ब्रजेश पाठक हर धर्म, जाति, क्षेत्र की बात सुनते हैं, ब्रजेश पाठक हर जिले की बात सुनते हैं। तो ये ब्रजेश पाठक की उपलब्धि रही, दूसरी पार्टी से आने के बाद भी इस रूप में वो समावेशी तरीके से रहे। और आप देखिए कि कल जब ब्रजेश पाठक से हमने बात की, विधानमंडल दल की बैठक में जब जा रहे थे, तो उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जो ब्रजेश पाठक टीवी के बहुत बहुत ख्वाहिश रखते हैं, जो ब्रजेश पाठक टीवी की दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अखबार की दुनिया को जानते हैं, मीडिया प्रेमी है, मीडिया के लोगों से बहुत, बिल्कुल वीरेश जी आएंगे आपके पास, मनोज तिवारी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। चुनाव तो कलाकारों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था जी, बट मेरा सौभाग्य है कि मैं कला जगत से हूँ और मैं उस दायित्व को पूरा करते हुए अपने देश और उत्तर प्रदेश की खुशियों के लिए लगे हैं। क्या कहेंगे, इस बार इतिहास था एक उत्तर प्रदेश का कि हर बार सरकार जो थी पार्टी बदल जाती थी, कभी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होते थे, लेकिन इस बार सब बदला हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश इतिहास रचते रहता है, इतिहास गढ़ते रहता है। अभी जो हम खुशी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की गलियों में, सड़कों पे, बसों में, ट्रेन में, प्लेन में, वो एक ही भाव है, जैसे लगता है उत्तर प्रदेश के बेसहारों की जीत हुई है, ऐसा लगता है दबे कुचले लोगों की जीत हुई है, मात्र गुंडों माफियाओं की हार ही नहीं हुई है, इस देश में ईमानदारी की बहुत बड़ी जीत हुई है उत्तर प्रदेश के मार्फत। और मैं समझता हूँ, हम पहले भी कह रहे थे कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, और आज कह रहे हैं कि लखनऊ आज सजने लगा है, स्टेडियम भरने लगा है, थोड़ी देर में जोगी जी शपथ लेंगे, फिर सोचो नजारा क्या होगा। एक आखिरी सवाल, मथुरा को लेकर क्या कहेंगे, मथुरा को लेकर क्या कहेंगे, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बात हो रही है। मथुरा में हमने पहले ही कहा था कि मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है, अब बंसी का असर देखने का समय है। मोदी योगी को जो प्यार दिया है उत्तर प्रदेश ने, उसके सामने हम नतमस्तक। ये हमारे साथ में मनोज तिवारी, जिन्होंने अपने ही स्टाइल में गीत गाकर बताया यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सजने लगा है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मथुरा जो है वो भी सजने लगा है और आगे भी सस्ता। बिल्कुल, देखिए शैलेश ने हमें दिखाया कि मनोज तिवारी जब बीकाना स्टेडियम पहुंच गए हैं तो किस तरीके से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। और एबीपी गंगा पर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि ब्रजेश पाठक दूसरे डिप्टी सीएम होंगे, दिनेश शर्मा को रिप्लेस उन्होंने किया है, दिनेश शर्मा को संगठन में बड़ी
बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश, देखिए ब्रजेश पाठक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और आप बता रहे थे कि बसपा से आने के बाद भी उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बीजेपी की शैली में ढाल लिया और यही वजह है कि उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार पार्टी ने दे दिया। वीरेश, बहुत उपलब्धि है और ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा पर प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो प्रयोग सफल हुआ। उसी तरीके से वो जो प्रयोग है उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जितना बड़ा सूबा है, जितनी बड़ी जनसंख्या है, जितनी बड़ी भूमिका पूरे देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश में होती है, यहाँ का उप मुख्यमंत्री किसी छोटे राज्य के मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ का विधायक बहुत बड़े बड़े जो छोटे छोटे राज्य हैं और उत्तर प्रदेश से अलग का जो मंत्री है उनसे बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश की सियासत पूरे देश की सियासत को बहुत निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश की सियासत केंद्र की सियासत को निर्धारित करती है। प्रधानमंत्री बनाती रही है और प्रधानमंत्री है भी उत्तर प्रदेश की सियासत से। और अगर उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को बनाया गया है तो आप सोचिए कि हेमंत बिश्व शर्मा को जो मुख्यमंत्री बनाया गया असम में, उससे कम बड़ी उपलब्ध कम बड़ा प्रयोग। मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये प्रयोग है। ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है, बदली हुई भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है और ये प्रयोग एक बार सफल होता है तो उसे आजमाया भी जाता है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रयोग करने को कहा कि ऐसा प्रयोग करो जो 20 साल 25 साल भारतीय जनता पार्टी को स्थायी कर सके, जीवित कर सके, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा सके। तो अभी उम्र भी है, बिल्कुल प्रयोग हो रहे हैं और प्रयोगों के बीच एक बार शैलेश का रुख कर लेते हैं। स्टेडियम से लगातार बने हुए शैलेश, अब तो स्टेडियम बिल्कुल भरना शुरू हो गया होगा। क्या तस्वीर है, कौन कौन से मेहमान पहुंच गए हैं वहां पर? देखिए, अभी अभी मनोज तिवारी से हम बात कर रहे थे और जहां तक बात है स्टेडियम भरने की, तो नजारा दिखाते हैं पंकज निगम इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे कैमरा सहयोगी। एक तस्वीर इधर देख सकते हैं आप, ऊपर किस तरह से लोग बैठे। सबसे पहले देखिए पीछे की बेंच ऐसी कुर्सियां इसलिए भर रही हैं क्योंकि गर्मी का वक्त है, काफी धूप है और इस वजह। एक दूसरी तस्वीर और दिखाते हैं, उस तस्वीर को आप देखिए कि एक साइड जो है स्टेडियम की वो लगभग भर चुकी है। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे और वो देखिए तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए सामने की तरफ ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि इधर की जो कुर्सियां हैं वो अधिकतर भर चुकी हैं और इसके पीछे एक वजह है, जो लोग आ रहे हैं वो सबसे पहले वहां पे जाना चाहते हैं क्योंकि वहीं पे सांस्कृतिक मंच। अभी जैसे मनोज तिवारी जी वहां पर गए हुए थे, अपनी प्रस्तुति भी दे रहे थे मनोज तिवारी। देखिए मनोज तिवारी यहां पर आए हैं लोगों के बीच में, तो किस तरह से उन्हें घेरने की कोशिश, हर कोई मिलना चाहता है, उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। और यहां पर देखिए, अब हम आपको बताते हैं कौन कौन लोग हैं जो खास यहाँ पर आने वाले हैं। ये देखिए बड़े नाम यहाँ पर नाम लग चुके हैं। यहाँ पर देखिए टाटा ग्रुप से तन्मय चक्रवर्ती का नाम लिखा है, जो कुर्सी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बगल में देखिए अंबानी ग्रुप से नीरज अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप से अगर बात करें कुमार मंगलम बिरला, ये सब पहली पंक्ति में जो लोग बैठने वाले हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं लूलू ग्रुप की बात यहाँ पर कर सकते हैं, गोयनका ग्रुप, यहाँ पर तमाम बड़े अडानी ग्रुप से प्रणव अडानी, तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के, फ्लिपकार्ट से चाहे बात की जाए, चाहे पेप्सी को, मतलब जितने भी बड़े आप नाम लेंगे उद्योगों के, उन सबके यहाँ पर जो मालिकान हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको यहाँ पर आज बुलाया गया है। तमाम लोग देखिए अभी पहुँचना शुरू हो गए, लेकिन अधिकतर जो वीवीआईपी स्तर के उद्योगपति हैं वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे। इसके बगल में हम चलते हैं, जो हमने कहा था देखिए तमाम ऐसे अतिथि हैं जो यहाँ पर देखिए राज्यपाल की तरफ से बुलाए गए हैं। यहाँ के जिन सीट्स पे हमने अभी आपको दिखाया, इसको आपने देख लिया कि किस तरह से हैं। चलते हैं आगे, कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में चलते हैं, बात करते हैं क्योंकि काफ़ी उत्साहित हैं लोग और बातचीत का सिलसिला करते हैं इन लोगों से। देखिए गर्मी बहुत है, अभी वक्त है, लेकिन सब पहले से आ गए कि अच्छी जगह मिल जाए बैठने के लिए। जी आइए आइए जी, क्या नाम है आप? रमेश गुप्ता, गोरखपुर महानगर के उपाध्यक्ष हैं। सीट से ही जीते हैं मुख्यमंत्री जी, पूरे भारत के शान है हमारे योगी जी, गोरखपुर के शान है योगी जी। राजेश सिंह, गोरखपुर मंडल कोषाध्यक्ष मालवीय नगर जी। क्या कहना चाहेंगे जीत पर? गोरखपुर की अगर बात करें तो वहीं से वो जीत कर आए हैं और फिर से मुख्यमंत्री जी। हम लोगों के सौभाग्य की बात है, गोरखपुर से हम लोग जनप्रतिनिधि भेज के आज हम लोग मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। आगे भविष्य में जो भी हो आगे देख रहे हैं। बार क्या होगा, 5 साल तो देख लिया, अगले 5 साल में आप क्या कहते हैं क्या हो? फिर महाराज जी कितना बढ़िया हो रहा है, इस बार देख रहे हैं शुरुआत से ही कितना बढ़िया सब चल रहा है। अभी ये अपना शपथ ग्रहण में ही देखिए,
देखिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बाबा पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं और अभी तक जितना विकास हुआ है उससे और अधिक विकास करेंगे वो, और जो भी बाबा का काम करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा। देखिए कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे क्योंकि आधी आबादी हो रही है और टीका आ रहा है कि जो मंत्री पद पर 5 महिलाओं को जगह होगी, तो महिलाओं से ही बात करें। क्या नाम है मैडम? कहाँ से आए? लखनऊ। क्या कहना चाहेंगे इस बार फिर से मुख्यमंत्री जी पद की शपथ ले रहे योगी आदित्यनाथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, मैं बस बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही हैं शायद, लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम लोगों से बात की। और देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ पर दर्शकों को कि किस तरह से लगातार आप देखिए जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी, उसकी बात करें तो देखिए उसके कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, अपना दल एस के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। तो यानी जो NDA गठबंधन की हम बात करते हैं तो उसमें शामिल लोग, देखिए कुछ और महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है मैडम आपका? जया सिंह। कहाँ से आए हैं? सीतापुर। सिंगापुर से आए हैं? सीतापुर। हमें लगा सिंगापुर से। ये बताइए आप कहेगा आपके साथ बैठेंगे, आप तो मेरे मित्रों पुराने, प्रमोशन मिल रहा है, आप मेरे मित्रों पुराने, चाय पियेंगे बैठ करके? अब साथी आदमी कानपुर से यहाँ तक आप संघर्ष करके आए, बताइए। ब्रजेश पाठक को आपने देखा, ब्रजेश पाठक साफ तौर पर कहते हुए कि प्रमोशन की बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको दिखाएं, आपको एक बार फिर से दिखाएं। ब्रजेश जी एक एक सवाल का जवाब दे दीजिए, प्रमोशन के बाद प्रमोशन से काफी खुशी भैया? नमस्ते। ब्रजेश पाठक अपने आवास से एक बार फिर से निकल गए हैं और अब शपथ का समय आ रहा है। प्रमोशन की बात नहीं कह रहे हैं लेकिन ये तय है, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं, लगातार उनका तगड़ा प्रमोशन होने जा रहा है क्योंकि सभी कार्यकर्ता जब यहाँ पर जुटते थे तो कार्यकर्ताओं की बातें सुना करते थे और कार्यकर्ताओं की बातें सुनकर वो पार्टी में एक अलग स्थान बना चुके हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं पार्टी के, ब्रजेश पाठक का प्रमोशन होने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार। इधरीत जी भाई साहब, मतलब पाठक जी आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उनकी व्यवस्था, मतलब कार्य करने की व्यवस्था एकदम बहुत ही अलग ही है। अलग ही जोश रहेगा लोकसभा के लिए, अब लोकसभा के लिए कैंट विधानसभा, और कैंट विधानसभा ने इतना जनसैलाब दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ब्रजेश पाठक का प्रमोशन, बहुत कार्यकर्ता खुश रहते हैं उनसे? बहुत बहुत मतलब बधाई, प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। देखिए एक कार्यकर्ता है ब्रजेश पाठक के बंगले के बाहर, जैसे ही हम पहुंचे ब्रजेश पाठक अपनी गाड़ी में सवार होकर के एक बार फिर से निकल गए हैं मुख्यमंत्री के यहाँ से, जब से चाय पी करके आए काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं। सभी लोग तस्वीरें हमें दिखाई, ब्रजेश पाठक से आपने बात करने की कोशिश की, अभी एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आपने जब उनसे बात की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उनके चेहरे की एक्सप्रेशन देख कर आपको क्या लगा? बिल्कुल, देखिए प्रसन्न हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न चित हैं लेकिन पार्टी की एक सीमा होती है, एक बाध्यता होती है, पार्टी लाइन पर चलना होता है, राजनीति करनी है, राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं ब्रजेश पाठक और शायद इसीलिए मुंह को बंद कर रखा है कुछ ही क्षण, जानते हैं कि कुछ ही क्षण के बाद वो खुशी उनको मिलने जा रही है जिसके लिए वो लगातार संघर्ष करते रहे। पार्टी दूसरी पार्टी से आके भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्यशैली से कार्यकर्ताओं को ना सिर्फ अपना बनाया बल्कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े ओहदे पर पहुंच गए, कैबिनेट मंत्री रहे और इस बार दूसरी सरकार में और ज़्यादा बड़े ओहदे पर जा रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है लेकिन पार्टी की नीतियों को इतनी बेहतर तरीके से जानते हैं कि अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी के एक स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता के तौर पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ काम करते रहे, सभी कार्यकर्ता हमने देखा, कई बार देखा कि ब्रजेश पाठक के घर के बाहर मजमा लगा रहता था कार्यकर्ताओं का और शायद इसी बात को पार्टी के आला जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन्होंने पहचाना है और शायद इसीलिए अभी बिल्कुल और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ब्रजेश पाठक भले ही अनुशासन में पार्टी के लिए, इन कार्यकर्ताओं ने खुशी जता दी है और उनका कहना है कि उनका प्रमोशन हो रहा है तो हम शिद्दत के साथ 2024 खिलाड़ी लड़ रहे हैं।